तो दोस्तों अभी रसोई में पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो चाय पहले चढ़ जाती है, उसके बाद काम धाम होते हैं। जो तो दोस्तों बच्चे जो है वो भी लकड़ियाँ ला रहे हैं जैसे मैं ला रहा था। गांव की यही खास बात है, सबको बच्चों को बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ला रहे हैं। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज 20 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो आज का दोस्तों ब्लॉग जो है शाम को शूट हो रहा है, शाम के टाइम अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं जा रहा हूँ मंदिर में। मेरे कंधे पे आप एक लकड़ी देख सकते हैं, चीड़ की है ये लकड़ी। तो ये लकड़ी मैं ले जा रहा हूँ अभी नीचे मंदिर में। मंदिर में आज दोस्तों जागर है। जो लोग पहाड़ से हैं और उत्तराखंड से हैं वो तो समझते हैं कि जागर क्या होती है, और जो बाहर से हैं उनको समझा देता हूँ। जागर एक तरह से हमारे लोक देवताओं को उनकी पूजा आराधना के लिए लगाई जाती है। तो उसमें एक्चुअली होती लोक गाथाएँ ही हैं, उनको कोई व्यक्ति जो है गाने के रूप में गाता है, मतलब एक तरह से जागरण समझ लो। बाकी वहाँ पे जो लोग होंगे उनसे मैं पूछूंगा कि जागर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों अभी रास्ते में ही हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी मंदिर से थोड़ी बहुत भजनों की, तो जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। कल भी नहीं जा पाया, कल समय नहीं हो पाया, आज भी समय नहीं हो पाया। वैसे मैं नहीं तो चले जाता हूँ टाइम से, तो आज ही ऐसा हो रहा है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मंदिर के लिए। तो फिलहाल बहुत लेट जा रहा हूँ, अब रात में ही वापस आया जाएगा जहाँ तक अंदाज़ा है। बाकी आसपास कैसा व्यू है वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अम्मा जी जो हैं घास लेके आ रही हैं, और जो गेहूं है गेहूं जम चुके हैं यानी कि उगाए हैं, तो खेत हरे हुए हैं, देख सकते हैं हम हरे हरे खेत हो रहे हैं। नीचे कोई अपने खेत में किसी ने आग जलाई है तो धुआं उठ रहा है, कूड़ा कबाड़ा जला होगा ना तो खाद के काम भी आ जाता है, धुआं उठ रहा है। तो ये हल्की हल्की मतलब गेहूँ जो है हल्के हल्के हरे हो रहे हैं खेतों में, और नीचे मंदिर है, कितना सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप। वहाँ वहीं से आवाज़ भी आ रही है भजनों की। हल्की हल्की धूप है, अभी शाम की धूप लगती नहीं है, और ऊपर की तरफ हमारा गांव है, बहुत सुंदर गांव सोमेश्वर घाटी में बसा हुआ हमारा लजूड़ा गांव। तो अभी जा रहे मंदिर में, वहाँ मिलते हैं लड़कों से, सयानों से। कुछ लोग मेरे को बात भी सुनाएंगे, कहेंगे सुबह से कहाँ था, जैसे दीपदा लोग हो गए। तो गाइज अभी मैं मंदिर में पहुंच गया हूँ, और ये दरी वरी बिछा रहे हैं हमारे बालक, ये छोटे बालक जो हैं गांव के, वो दरी वरी बिछा रहे हैं, और कुछ लोग ऊपर से आ रहे बच्चे देख सकते हैं। करण भाई हमारे हाथ हिला रहे हैं, वहां से भी बच्चे हाथ हिला रहे हैं। तो बच्चों की छुट्टी हो गई अभी, तो उनका आने का टाइम हो रहा है। और बालको आ गए हो? बढ़िया बढ़िया। तो ये लोग दरी बिछा रहे हैं, इनको दरी बिछाने का खासा अनुभव है। मुकेश भाई इतने समय बाद गांव आए हो, कैसा लग रहा है गांव में? बहुत बढ़िया लग रहा है। और कितना बताओ, आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, जागर भी हो गई है आज। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। और क्या, मुझे लग रहा है आप पुण्य करके ही आए हो कुछ है, और क्या, या फिर पाप करके आए हो क्या? पुण्य करके आए हैं। तो दोस्तों बच्चे जो है वो भी लकड़ियाँ ला रहे जैसे मैं ला रहा था। गांव की यही खास बात है, सबको बच्चों को बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ला रहे हैं। और एक बालक सेब खा रहा है, और एक बालिका भी आ गई, अंधा सफाई में लगे हुए हैं, अंधा सफाई में लगे हुए हैं। अंधा की चेली उनके लिए बनियान लेके आ गए, बनियान स्वेटर। तो यह है दोस्तों अपना मंदिर, गांव की धुनी। तो दोस्तों अभी एक और अच्छी बात जो हमारे गांव की है वो है कि हमारे गांव में जो टेंट हाउस है वो गांव का ही है। तो गांव का ही टेंट हाउस है, तो जब किसी की शादी होती है तो उसको टेंट हाउस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गांव वाले ही लगा देते हैं और काम निभा देते हैं। तो अभी दो हमने नेपाली लगा रखे हैं इसको पर्दे वर्दे धोने के लिए, देख सकते हैं आप दो नेपाली, ये उनके मालिक हैं, ये टेंट हाउस का काम सारा देखते हैं। कैसा काम कर रहे हैं? कलर काला हो रहा है, कलर काला ना धो रहे, बढ़िया से नहीं धो रहे। इन को थोड़ा घिसो, मुझे लग रहा है मेरे पास भी कोई काम आने वाला है,
तो आएगा ही काम अभी। हाँ, क्योंकि राजू हो गई है यहाँ पे, अब मैं बर्तन धोऊंगा। इनको धोना है क्या? धोबे सुन, दोस्तों अभी एक और नेपाली आ गया है, आप देख सकते हैं मेरे रूप में। तो मेरे को भी एक काम दे दिया है, हमने ये जो बर्तन है तांबे के इनको धोना है। और तीसरा नेपाली यहाँ पे लगता है, जोशी जी का काम था लेकिन हमको करना, जोशी जी का काम था लेकिन हमको करना पड़ रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, हर्ता के शब्द है। तो दोस्तों अभी रसोई में पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो चाय पहले चढ़ जाती है, उसके बाद काम धाम होते हैं। जो बर्तन मुझे तांबे के दिए गए थे धोने के लिए, वो साफ हुए नहीं, तो अभी चूल्हे में डाल दिए हैं नरेशदा ने। चूल्हे में डाल के पता नहीं क्या करिश्मा होगा इनमें। पहले थोड़े थोड़े दिख रहे थे तांबे वाले, अब तो ये काले हो गए, लोहे के दिख रहे, डज गए हैं अब, डज। अब सीधे पानी में डाल के देखो सब चिपक रहा है। तो दोस्तों ये जला के देखते हैं साफ होता नहीं होता, क्योंकि पीछे पीछे जाना पड़ेगा। छा हो गई है, छा अब निकालो बाहर। ठंडा सर फर्क तो पड़ गया थोड़ा बहुत, नया दिखाओ तो जरा। नहीं तो मुझे लग रहा है आपने ज्यादा जला दिया है, ये ज्यादा जला दिया मुझे लग रहा है आपने। तो धुनी जला रहे हमारे गोलू भाई जला रहे धुनी। बच्चों के मजे फुल हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अपने आराम से। तो जो मैंने साफ किए थे वो यहीं रख देता हूँ, इसमें बाद में दिया जलाएंगे। गांव में विराट भाई है हमारे युवा, आने से पहले इनको चाय चाहिए रेडी। ऐसे युवाओं से गांव का उद्धार कैसे होगा? हैं? कैसे उद्धार होगा? तो दोस्तों अभी 5:30 होने को है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। वहाँ पे गोलू भाई धुनी चला रहे हैं और बच्चे अभी भी खेलने में मस्त हैं। तो बढ़िया हो रहा है, थोड़ी देर बाद पूजा होगी, जागर होगी। तो जागर तो मैं दिखाता नहीं हूँ, यही देखो आप इस तरह से चलती थी यारियाँ। तो दोस्तों मंदिर से आ गया था घर, अभी बज गए हैं 7:30 और वापस जाऊँगा मंदिर में, जागर होनी है थोड़ी देर बाद। अभी मैं आ गया था रोटी वोटी खाने और दिया जलाने, तो थोड़ी देर बाद जाएंगे और देखते हैं किस तरह से आज पूजा पाठ होती है। कल भी होगी तो कोशिश करूंगा, अगर कल हुई तो आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया डिटेल से बताऊं, अगर कुछ मुझे एक्सपर्ट लोग मिल गए तब, जो इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं उनसे बातचीत करेंगे। अगर नहीं मिले तो अलग बात है, अगर मिले तो मैं जागर के बारे में कल आपको बहुत बढ़िया से विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस तरह जागर होती है, क्या क्या उसमें होता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्या किस तरह की पूजा है। मैं जानता तो हूँ लेकिन बहुत डीपली नहीं जानता, तो मतलब अच्छा होगा कि मैं किसी जो इस बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ उससे बात करूँ। तो कल मेरी कोशिश यही रहेगी कि उनसे बात की जाए, देखूंगा अगर ये पॉसिबल हुआ तो। फिलहाल आज के ब्लॉग को यही पे समाप्त करते हैं, आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, शाम को ब्लॉग शूट किया था शुरू करना, और शाम होते होते मतलब एक दो घंटे में ही जो कुछ लोगों मैंने कोशिश की कि इसे कैप्चर किया जाए, तो खास कुछ था नहीं। फिर भी अगर आपने देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8:00 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ है जैसे हैं मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।